बहुत अच्छा है। राजेश भुटाले जो है उन्होंने फिल्म बनाई है और संजॉय बोस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे गाने बनाए उन्होंने। मैंने दो गाने गाए उनके लिए और शान ने भी गाना गाया, सुनीति ने भी गाया है। वेरी नाइस मेलोडीज़। काफ़ी टाइम से वो म्यूज़िक के फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इवन राजेश जी, उनकी पहली फिल्म है, आई विश देम बोथ वेरी वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। फिल्म अच्छी बनी है एंड आई फील द म्यूज़िक इज़ रियली वेरी नाइस, तो आई एम वेटिंग फॉर द म्यूज़िक टू रिलीज। यार गाने मेरे को अच्छे मिल जाते हैं दोस्त, तो बस मैं उसको महसूस करके गा देता हूँ। ऊपर वाले की दया से और आप सब लोगों की दुआ से अच्छे से गाने मिल जाते हैं। तो ये गाने भी मेरे को दो गाने मिले, एक वक्त गया थम और दूसरा है खुदा तूने। दोनों गाने बहुत अच्छे हैं, संजय ने बहुत अच्छे गाने बनाए एंड आई एंजॉयड सीइंग बोथ ऑफ देम। तो अपनी तरफ से ये मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि जो गाने आए मेरे को जो मिले उसको मैं इन्जॉय करूँ सबसे पहले, अगर मैं इन्जॉय कर लूँ तो आप भी इन्जॉय कर लेंगे, सिंपल बात होती है। यार जॉनर से बहुत है, मतलब अभी तो मैंने मुझे लगता है कि मैं छोटी सी एक क्या कहूँ छोटा सा बबल हूँ इस यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और भी। ये तो मेरे जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे अपने अपने बेहतरीन गाने दिए हैं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं टीमों में और अपने अपने अच्छे गाने दें और मैं अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से कोशिश करके निभाऊँ। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि और कोई चाह है, यार वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब वो जैसे जैसे गाने आते हैं वो बढ़ती रहती है, तो बस मैं वेट करता हूँ कि हर रोज़ के अच्छे गाने मिले। मैं इस वक्त जो है कुछ अपने जो है स्टूडियो में बैठा हूँ, अपने काम कर रहा हूँ, मतलब दो मैंने एल्बम किए, एक 99 में पल किया था, दूसरा 2008 में एक हम सफ़र किया था। अभी एल्बम का वक्त मेरे को मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ करूँ, पर वो कब होगा कैसे होगा वो मुझे मालूम नहीं, वैसे शुरुआत की बस मैंने। क्या जी यार, ये जो है संजॉय जो है मेरे बहुत इज़ अ वेरी नाइस गाय एंड मैंने जो गाना गाया था उन्होंने मुझसे कहा था कि यार एंड आई नो ही बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने कहा मेरे से जो बनेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना भी मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकूँ मैं करूँगा, तो मैंने बस वही किया अपने दोस्त के लिए। सर आखिर में गाने की दो लाइनें अगर गुनगुना दें आज का जो गाना। वक्त गया थम और थम गए हम, थम गए जिंदगी के सभी रास्ते। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है और आपका किरदार किस तरह का होगा? फिल्म है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, थोड़ा रोमांस है मूवी में। तो और मेरा माय कैरेक्टर इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लड़की है, अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर लेगी। और फॉर दैट शी क्रॉसेज ऑल द लिमिट्स, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी पॉजिटिव माइंडेड, तो उस चक्कर में शी इज़ वेरी रिस्क टेकर ऑल्सो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो मेरा कैरेक्टर इन अ वे सिंपल होके भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हाँ तो आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। कैरेक्टर ऐसे कोई ध्यान में नहीं रखा था मैंने, बहुत सारे बिट्स में कैरेक्टर्स देखे थे, काफ़ी मूवीज़ देखी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें द लेडीज़ प्लेइंग दी स्ट्रॉन्गर रोल, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, सिचुएशन हैंडल करती, तो वो एक्सप्रेशन कैसे करने हैं मुझे प्रैक्टिस कराया जाता था, मुझे मूवीज़ दिखाई जाती थी। सो हाँ, फॉर अ मंथ आई यूज़ टू डू दैट एंड वेन एवर आई यूज़ टू सेट होम, मुझे बार बार आई यूज़ टू यूट्यूब, मैं टीवी लगा के वही देखा करती थी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग किया करती थी थोड़ा सा फ्री होने के लिए। हाँ तो ये मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता था। फर्स्ट मूवी था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, कोई भी रोल करना, स्माइल, पहले फर्स्ट डे ऑफ शूट में तो स्माइल करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो इवेंचुअली मैं इधर
इस मूवी में फाइटिंग सीन भी कर पाई मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो हाँ, इन एवरी स्टेप द मूवी हैज़ बीन चैलेंजिंग फॉर मी. एज एंड वेन रिक्वायर्ड, अगर वो मैं नहीं अच्छा कर रही हूँ तो ही विल कीप ऑन रोलिंग. स्ट्रिक्ट तो ऐसा कुछ बोलते नहीं थे वो, इट्स जस्ट दैट यू डोंट डू और मैं करता रहूँगा रोल, कीप ऑन डूइंग इट. चाहे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, पैकअप नहीं करते थे वो, ऐसे आके रूडली बात नहीं करते थे, आके ही कीप ऑन एक्सप्लेनिंग कि कैसे रोल करना है, वॉट टू कीप इन माइंड, ये सब करते थे. स्ट्रिक्ट एज सच नहीं थे, लेकिन देन ही विल वो कराते रहेंगे, पैकअप नहीं होने देंगे. तो अल्टीमेटली उनको जब तक वो शॉट नहीं मिलता था, वी यूज्ड टू वर्क. इसके अलावा और कोई मूवी में देखेंगे आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं. ऑफर्स है, आई लुक इनटू इट. इस समय इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ? नहीं, एक्साइटमेंट तो खैर है, क्या तो काफ़ी लंबी जर्नी की है इस फिल्म में मैंने, क्योंकि राइटिंग से लेकर हर चीज़ मैंने इसको संभाला, तब ये दिन तो आना था. लेकिन मुझे अभी भी मेरा दिमाग इतना बिजी है अपनी सोच में कि मुझे ये एक्साइटमेंट का उतना एहसास नहीं हो रहा है. शायद फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक एक्साइटमेंट का एहसास हो पाएगा. तब अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील. नहीं, शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि एक नए इंसान के लिए बहुत टफ काम था. लेकिन बहुत जल्दी फिल्म मेरे मतलब ऐसे फिर मैं समझ गया चीज़ों को, एंड फिर बहुत आसान हो गया फिल्म, बहुत इजी हो गया. नहीं, बहुत किस्म के मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं ऑलरेडी मैंने रखी, ऐसा नहीं है. बट कॉन्सेंटली अगली फिल्म जो है उस कॉन्सेंटली थ्रिलर ही है, वो होने जा रही है इस फिल्म के बाद. सामना डेफिनेटली करना पड़ा कई, क्योंकि शुरुआत में सब नए लोगों से मिलना हुआ था. कुछ लोगों ने जैसे कहा ना, थोड़ी फिल्म में जानते होंगे कितना तकलीफ और चीटिंग ये वो धोखेबाजी काफ़ी शुरुआत दौर में हुई. तब तक मैं संभल चुका था, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा फिल्म का, वेरी गुड जर्नी रही इस फिल्म की. क्योंकि मैं नॉन स्टॉप डूबा ही था इस फिल्म में, मुझे तकलीफें कम महसूस हुई, क्योंकि मेरा ध्यान ही एक ही टारगेट था कि मैं इस फिल्म में कैसे बेहतर बनाऊं, क्या चीज़ें हैं जो नयापन लेके आती हो. क्योंकि नया डिफरेंट ये सब वर्ड्स में सुन सुन के परेशान हो गया, मगर अभी संजोग से ऐसा है कि फिल्म वाकई में मुझे अभी तक जो बातें थी नया ये नया नहीं, नई फिल्म है. हर शॉट हर सीन मेरा चैलेंज है, गारंटी है कि आप फिल्म देखो और आपको किसी भी फिल्म से मिलता हो तो आप उससे आके बात कीजिए. मैं किसी भी थैंक यू बस.